भैया पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स। तीन स्टूडेंट्स को हमने प्रॉब्लम दी है ए बी सी को। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/2 एंड बी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये देखो भैया यहाँ पे कैसे कंफ्यूज करते हैं। बी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/4 एंड द होल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज 63/64। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग इट बाय सी। ठीक है, बहुत लोगों ने प्रैक्टिस भी करा होगा, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, तो भैया एक बार एक थोड़ा सा एक मिनट का ट्राई तुम लोग दो, उसके बाद तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ इस चीज का। इन क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच होती है कि एक प्रॉब्लम दे रखे मैथमेटिक्स में जिनको हमने तीन स्टूडेंट्स को दिया है। तीन स्टूडेंट्स कौन है मेरे पास, ए बी और सी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/2, बी नॉट सॉल्विंग इज 1/4 और सी की क्या होगी हमारे को ये बतानी है। भाई एंड में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो भैया हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी है 63/64 कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम किस किस केस में सॉल्व हो सकती है ये चीज हमारे को समझनी है। प्रॉब्लम तब सॉल्व हो सकती है कि भैया जब उसको ए सॉल्व कर दे, बी ना करे, मैं जो नहीं कर रहा हूँ उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूँ, सी ना करे, या फिर किस केस में हो सकती है कि ए ना करे, बी कर दे और सी ना करे, या फिर किस केस में हो सकती है कि भैया ए भी ना करे, बी भी ना करे पर सी कर दे, या फिर हो सकती है ए और बी कर दे सी ना करे, या फिर भैया ए कर दे बी ना करे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बना दिया, ए भी दोनों सॉल्व कर दे और सी ना करे। एक केस हो सकता है कि ए कर दे, बी ना करे और सी कर दे, और एक केस हो सकता है कि भैया ए ना करे, बी कर दे और सी कर दे। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि ए भी कर दे, बी भी कर दे और सी भी कर दे, ए बी सी भी हो सकता है हमारे पास एक केस। ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं कि भैया या तो ए कर दे, या तो खाली एक एक बंदा कर दे, ए कर दे, बी कर दे या सी कर दे, या फिर दो दो लोग कर दें, ए भी कर रहा है, ए सी कर रहा है या बी सी कर रहा है, या फिर भैया तीनों के तीनों कर रहे हैं। तो ये हमारे टोटल केसेस बन सकते हैं। ठीक है, पर अब हम इस अप्रोच को दूसरी तरह से सोचते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम को ए ने भी सॉल्व नहीं करा, बी ने भी सॉल्व नहीं करा और सी ने भी सॉल्व नहीं करा, कि भैया ए भी नहीं कर पाए, बी भी ना कर पाए, सी भी ना कर पाए। सिर्फ इसी केस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बाकी हर केस में अगर किसी एक ने भी कर दी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करे के लिए क्या हो जाएगी, ये है प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हमारी 63/64। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की 1-63/64, ये क्या हो जाएगी 1/64, ये हो जाएगी 1/64 के इक्वल। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल हो जाएगा 1/64 की, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। अब यहाँ पे दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ए की सॉल्विंग की, पी ऑफ ए सॉल्विंग क्या है 1/2, तो पी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग, ए नॉट सॉल्विंग हो जाएगी 1-1/2, तो ये भी हो जाएगी 1/2। अगर मैं बात करूं पी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग, पी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग हमारे को गिवन है, ये गिवन है नॉट सॉल्विंग की 1/4, और सी की नॉट सॉल्विंग हमारे को निकालनी है, सी कॉम्प्लीमेंट हमारे को निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो पी ए की क्या हो जाएगी, पी ए नॉट फाइंडिंग की हाफ, बी की हो जाएगी 1/4 इंटू हमारे को सी की तो निकालनी ही है, सी की जो है पी सी कॉम्प्लीमेंट तो हमारे को निकालना ही है, इक्वल टू 1/64। तो पी सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरा, पी सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएंगे, तो 8/64 ये मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8/64। तो पी सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया मेरा, पी सी कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरा 1/8, लेकिन मेरे को निकालनी क्या थी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग इट बाय सी, तो सी की सॉल्विंग की निकालनी है, ये है सी नॉट सॉल्विंग, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो सी सॉल्विंग के लिए क्या हो जाएगा 1-1/8, तो 7/8 विल बी द राइट आंसर।